हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। ये हमारी काली लिनक्स प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है और इसमें हम जानेंगे कि आप काली लिनक्स ओएस को किस तरह से अपने वी एम वेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वी एम वेयर या काली लिनक्स क्या होता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। तो सिंपली इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको काली की ISO फाइल चाहिए, तो सिंपली आप काली की वेबसाइट से जाकर वी एम वेयर के लिए इसकी ऑफिशियल ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको वी एम वेयर सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके वी एम वेयर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप सेटअप को इंस्टॉल कर लें, देन उसके बाद वी एम वेयर को ओपन करें एंड क्रिएट इन यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करें। और ये मैं वी एम वेयर का प्रो वर्जन ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और जो लोग ट्रायल वर्जन वी एम वेयर का प्रो वर्जन यूज़ नहीं कर रहे वो सिंपली यहाँ लेफ्ट में ऊपर की तरफ फाइल पर जाके क्लिक करें, देन न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करें, देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। एंड ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने अपनी काली लिनक्स की ISO फाइल जो डाउनलोड की है उसे सिलेक्ट करके ओपन करें, देन नेक्स्ट पे क्लिक करें। देन यहाँ लिनक्स पे क्लिक करने के बाद आप इसका वर्ज़न सिलेक्ट करें, वर्ज़न आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, बट आप डेबियन 64 बिट सिलेक्ट करें। देन नेक्स्ट पे क्लिक करें। देन लोकेशन, आप अपनी वी एम वेयर में ये जो काली लिनक्स ओएस है आप जहाँ पे भी लोकेशन इसको सेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं आप इसे ब्राउज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको अपने हार्ड डिस्क का साइज़ स्पेसिफाई करना है, आप कितनी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो रिकमेंडेशन में 20 GB है, तो मिनिमम आप 30 GB से 35 GB दें, फिलहाल मैं 50 GB दे देता हूँ। देन स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल, इसको ऐसे ही रहने दें। देन नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आपको आपको अपना कस्टमाइज हार्डवेयर आपको हार्डवेयर कस्टमाइज़ करना है, देन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको मेमोरी पूछेगा, आपको जितनी भी रैम देनी है आप अपने हिसाब से रैम दे सकते हैं। ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितनी रैम है, लाइक 4 GB, 8 GB, 12 GB, तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर रैम दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 8 GB रैम दे देता हूँ। देन उसके बाद प्रोसेसर, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर 1, नंबर ऑफ़ कोर्स पर प्रोसेसर, या आप अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देन नेटवर्क अडेप्टर, नेटवर्क अडेप्टर में फिलहाल आप नेट ही रहने दें। देन USB कंट्रोल, साउंड कार्ड आप इनको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दें। देन क्लोज, एंड क्लोज करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दें। ये हमारी काली लिनक्स की फाइल क्रिएट हो चुकी है, देन अब इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शंस शो होंगे, देन आपको फर्स्ट ऑप्शन ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करना है। देन ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस अपनी स्टार्ट कर देगा, तो कुछ टाइम वेट करना है। देन उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश, देन कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू, देन कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड, आपको अमेरिकन इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, स्कैनिंग इंस्टॉलेशन मीडिया। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा वेट करें। देन आपको होस्ट नेम काली, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। देन नेक्स्ट आपको डोमेन नेम, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें, देन कंटिन्यू। एंड फुल नेम फॉर द यूज़र, आप आपको अपना यूज़र नेम सिलेक्ट करना है, लाइक मैं डाल देता हूँ अपना यूज़र नेम शिवाय। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट आपको यहाँ पे भी अपना शिवाय रहने देना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप रखना चाहें। देन चूज ए पासवर्ड, आपको अपने यूज़र नेम के लिए पासवर्ड सेट करना है। आप चाहें तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन आप पासवर्ड सिलेक्ट करें, लाइक मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। देन कंफर्म पासवर्ड, देन कंटिन्यू पे क्लिक करें।
सेटिंग अप दी क्लॉक, ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस में। थोड़ा वेट करें, प्रोसेस हो रही है। देन उसके बाद आपको ये गाइडेड यूज़ एंटायर डिस्क, इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू। देन ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, ये आपको रिकमेंडेशन फॉर न्यू यूज़र, आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलेगा, तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, देन इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दें। देन कंटिन्यू पे क्लिक करें। देन यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा वेट करें। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इधर वो हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपको इस तरह का यूज़र इंटरफेस शो होगा। देन यहाँ आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल आप इस पे जीनोम पे क्लिक कर दें, देन कंटिन्यू पे क्लिक करें। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट करें। देन उसके बाद आपको GDM3 पे करके कंटिन्यू कर देना है। देन इस प्रोसेस में थोड़ा और टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना है जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो गाइस उस प्रोसेस में लगभग आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, तो आपको वेट करना है जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। देन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ये ऑप्शन शो होगा, इंस्टॉल द ग्रुप बूट लोडर टू योर प्राइमरी ड्राइव, इस पर यस क्लिक कर देना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू इंस्टॉलिंग ग्रुप बूट लोडर, ये बूट लोडर इंस्टॉल होगा। देन फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, तो 2 से 3 मिनट इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में लग सकते हैं, तो आपको वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता। आपको कंप्लीट पे क्लिक कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। देन सिस्टम रीबूट होगा। जब तक सिस्टम रीबूट होता है आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करनी, लाइक आप इसको रीबूट होने के टाइम आप इसको बंद नहीं करना। जब जब तक रीबूट का कंप्लीट होने की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक बार रीबूट होने। देन हमारे सामने इसकी होम स्क्रीन आ गई, लॉक स्क्रीन आ गई। देन आपको अपने यूज़र नेम पर क्लिक करना है। देन पासवर्ड, जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पासवर्ड सेट किया था वो आपको यहाँ पर डालना है। देन एंटर। फर्स्ट टाइम ओपन होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो आपको वेट करना है। देन हमारे सामने इसकी होम स्क्रीन आ चुकी है। बेसिकली अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसका राइट क्लिक करने पे, देन चेंज बैकग्राउंड, अब जो भी वॉलपेपर यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये काले लिंक्स के बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है, लाइक आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।